मैंने यहाँ पे कुकर में लिया है 1 कप दाल, जिसको धो के मैंने उसमें पानी डाला है। अब इसी में डालेंगे अंबाड़े की भाजी, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से धोया है। 4 से 5 मिर्ची, काला चना, मूंगफली, लहसुन। काला चना और मूंगफली मैंने एक रात पहले भिगा के रखा था, वही वाला यूज़ कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को कुकर में डाल के कुकर गैस पे चढ़ाएंगे लो फ्लेम में 5 विजल तक। देखिए 5 विजल हो चुका है, दाल पूरी तरीके से पक चुका है, बहुत ही सॉफ्ट सा पका है दाल, बस यही कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। यहाँ पे चढ़ाया है मैंने कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है तेल। तेल गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे राय, हल्दी पाउडर और पका हुआ दाल। इन सारी चीज़ों को डाल के बस बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डालना है, स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी लाल मिर्च पाउडर या एक्स्ट्रा मिर्ची का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मिर्ची डाला था इसमें। बस इसको सर्व करेंगे हम जवार रोटी के साथ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।